जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमने देखा कि एक रात समुद्र में तूफान आया है। एक शिप उस टाइम समुद्र में थी और लहरों के बीच अपना रास्ता बना रही थी। शिप में एक साइंटिस्ट था जो कि एक कीड़े को डेवलप करने की कोशिश में था। उसका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हो गया, मगर कुछ ही देर में वो कीड़े ग्लास तोड़कर बाहर निकल आए। साइंटिस्ट ने जैसे तैसे करके उनमें से कीड़ों की रानी को ढूंढकर हाथ में ले लिया। वो अपनी इस नई खोज को देखकर काफ़ी खुश था और जैसे ही उसने रानी को देखा, रानी ने साइंटिस्ट को खाना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में पूरा निकल गई। ऐसा होते ही रानी का शरीर बड़ा हो गया और उसने इतने कीड़े पैदा कर दिए कि पूरी शिप उनसे भर गई। उनकी तादाद इतनी बढ़ती जा रही थी कि कीड़ों ने शिप से निकलकर समुद्र में फैलना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सीन में फेई नाम की लड़की ने अपने बॉस और बॉयफ्रेंड जैंग को पायलट की फ़ोटो दिखाई जो कि एक बिकिनी में बैठी लड़की के साथ है। जैंग पायलट के पास उस लड़की से मिलने जाना चाहता था, मगर फेई ने उसे रोक दिया और कहा कि वो ये सब करने यहाँ नहीं आए हैं। उनके पास वाली सीट पर बैठे आदमी ने जैंग की मैगजीन मांगी जो कि उसने दे दी। वो मोटा आदमी उस मैगजीन को देखकर हैरान रह गया क्योंकि उसमें लड़कियों की बिकिनी में फ़ोटोज़ थी। जैंग ने उसे ऐसी फ़ोटोज़ खींचने का तरीका बताते हुए कहा कि ये सभी उसी ने खींची हैं। जैंग एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर है जो कि एक शो करने आया है। कुछ देर बाद वो और उसकी असिस्टेंट फे एक रिजॉर्ट में आए जहां उनकी मुलाकात उनके डायरेक्टर से हुई। जैंग ने उसे बताया कि वो फे को प्रपोज करने वाला है और उसे डायरेक्टर की मदद चाहिए, जिस पर डायरेक्टर मान गया। अगला सीन मेची नाम की लड़की का है जो कि किचन में बर्तन धोते हुए फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी एक कीड़ा सिंक में से आया जिसे देखकर मेची डर गई और उसने अपने दादाजी को उसे मारने बुलाया। उसके दादाजी ने वहां आकर उस कीड़े को मार दिया और उसे उठाकर देखने लगे। मेची के दादाजी इंसेक्ट कलेक्टर थे जो कि अलग अलग तरह के कीड़ों को जमा करते हैं और उसे वो अपने साथ कमरे में ले आए। वो उसे और अच्छे से देख ही रहे थे कि इतने में उस कीड़े ने जिंदा होकर दादाजी पर हमला किया और वापस एक सिंक में चला गया। यहाँ जैंग का डायरेक्टर खाना लेकर उनके कमरे में देने आया। उसके साथ वो रिंग भी थी जिससे जैंग फे को प्रपोज करेगा। उसने घंटी बजाई जिसे जैंग दरवाज़ा खोलने आया और डायरेक्टर से अंगूठी और खाना लेकर उसे जाने को कहा, मगर डायरेक्टर वहीं रहकर इस सरप्राइज़ को अपनी आंखों के सामने होता देखना चाहता था ताकि वो इसे रिकॉर्ड करके एक यादगार बना ले। पर जैंग ऐसा नहीं चाहता था तो वो डायरेक्टर को कमरे से निकाल रहा था। उस टाइम फे बाथरूम में थी तो उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, मगर जैसे ही वो बाहर आई जैंग ने जल्दी से डायरेक्टर को बाहर करके अंगूठी छुपा दी। शो शुरू हुआ और केविन नाम के स्टार को भी वहाँ बुलाया गया था जो कि फ़ोटोशूट की मॉडल्स के साथ काम करते हुए उनसे दोस्ती करने का फ़ायदा उठा रहा है। तभी जैंग वहाँ केविन का इंटरव्यू लेने आया, मगर केविन ने चलते इंटरव्यू में जैंग को बीच में रोका क्योंकि उसकी नज़र मेची पर पड़ गई जो कि सभी मॉडल्स में से एक बेहद ही खूबसूरत मॉडल है। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में चोर घुसे और वहाँ के सभी CCTV कैमरास को बंद कर दिया ताकि उनके खिलाफ कोई सबूत ना हो, और ऐसा करते ही वो लोगों के कमरों में सफाई के बहाने गए और उनका सारा कीमती सामान और पैसे चुरा लिए। मूवी शो के बाद पार्टी में आती है जहाँ मेची बैठकर एंजॉय कर रही थी। तभी केविन ने आकर मेची से बात शुरू करी और कुछ अच्छी बातें बोलकर अपना पर्सनल इंटरव्यू देने को पूछा। मेची मान गई क्योंकि ये सब भी उसके काम का हिस्सा है। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे तभी फ्लाइट वाला मोटा आदमी अपने बाथरूम आया जहाँ वो मरने की कगार पर आ चुका है। एक कीड़ा उसकी नाक से बाहर निकला और आकाश में देखते ही वो डर गया कि उसके चेहरे के अंदर और भी कीड़े हैं। उन कीड़ों ने मिलकर मोटे आदमी को पूरी तरीके से खा लिया और अपने दूसरे शिकार पर निकल गए। यहाँ हर कोई समुद्र किनारे अपनों के साथ खुशियाँ मना रहा था, इस बात से अनजान कि समुद्र की लहरें अपने साथ तूफान ला रही हैं। और ऐसा ही हुआ जिससे अचानक वहाँ सुनामी आ गई और किनारे आए आधे से ज़्यादा लोग कीड़ों के चंगुल में आकर मर गए। एक टाइम का वो बहुत खूबसूरत बीच अचानक खून की नदियाँ बहाने लगा। हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा था। जैंग फे और बाकी लोग मिलकर एक कमरे में छुपने आए जहाँ वो कीड़ा ना आ सके, मगर कीड़ों की आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने दीवार में छेद किया और अंदर घुसाए। वहाँ एक लड़के ने जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर लिया और छेद में आग लगाकर कीड़ों को मार डाला। केविन, मेची, डायरेक्टर और कई लोग अभी भी इस बात से अनजान अपनी मस्ती में मस्त थे। तभी एक लड़की ने सामने से आ रही शिप को देखा जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। केविन को प्यास लगी थी और उसने भी शिप को आते हुए देख लिया तो उसने डायरेक्टर से उस शिप पर जाकर थोड़ी शराब लेकर आने के ऑर्डर दिए।
जो ना चाहते हुए भी डायरेक्टर को मानने पड़े और वो शिप में आ गया। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि कैसे कीड़े पूरे रिजॉर्ट में फैलते गए और पूरी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया, पर एक आदमी ने इसे रोकने की कोशिश की। उसने एक गैस की टंकी लिफ्ट के नीचे फेंकी और माचिस से उसमें आग लगा दी। लगभग आधे से ज़्यादा कीड़े इस आग के चंगुल में आकर मर गए और कमरे में छुपे लोग बाहर निकल आए। जैंग को तभी एक लाल बक्से में मरा हुआ आदमी दिखा जिसके पास वो रिंग थी जो जैंग फेई को देने वाला है। वो शायद वही चोर होगा जिसने CCTV बंद किया था। जैंग उससे अपनी रिंग लेकर वहाँ से चला गया। डायरेक्टर शिप पर पहुँचा और उसने केविन के लिए शराब ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर घूमने के बाद उसे बहुत सारी बॉटल्स मिली भी और वो बस बाहर आ ही रहा था कि उसे कीड़ों की रानी ने पकड़ा और खा गई। अब केविन को लगा कि डायरेक्टर को आने में बहुत देर हो रही है, तो वो उसे ढूंढने खुद भी अपने दोस्तों के साथ शिप में चला गया। शिप में आने पर केविन को एक बियर मिली जिसे उसने पीते पीते डायरेक्टर को खोजा और घूमते घूमते वो रानी के सामने आ गया। पहले उसे लगा कि डायरेक्टर उसके साथ मजाक कर रहा है और अपनी बियर रानी की तरफ फेंकी, मगर वो डायरेक्टर नहीं है जिसे केविन ने बुलाया। इसके चलते केविन ने जितना तेज़ हो सके भागने की कोशिश की, पर रानी उससे ज़्यादा तेज़ थी और इसके कारण उसने केविन को भी निगल लिया। यह मेची और बाकियों को शिप में से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर मेची को केविन की चिंता थी तो वो बीच फोटोशूट रोककर नीचे आई और उसने रानी को देख लिया। मेची तेज़ी से भागी और एक कमरे में पहुंचकर उसका दरवाज़ा लगा लिया। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी जिसके कारण गलती से एक तार लगने पर वो चिल्लाने लगी। रानी उसकी आवाज़ सुनकर कमरे तक आई मगर उसका दरवाज़ा नहीं खुला। रानी ने फिर ग्लास तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करी, मगर किस्मत से वो मेची से बोर होकर उसे वहीं छोड़ गई। जैंग और उसके साथी पूरी शिप पर बचे हुए लोगों को ढूंढकर निकालना चाह रहे थे। जहां घूमते हुए उनका सामना भी रानी से हो ही गया। उन्होंने भी तेज़ी से दौड़ लगाई और वैसे ही एक कमरे में छुपे, मगर रानी को जैंग छुपा हुआ दिख गया और उसने उन पर हमला किया। कैसे ना कैसे रानी ने फे का पैर पकड़ा और उसे खाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके चलते अपने प्यार को बचाने की खातिर जैंग ने हर वो चीज़ ढूंढना शुरू की जिससे वो फे की जान बचा सके। उसे वहाँ एक लोहे का डंडा दिखा जिससे उसने रानी को मारा। इससे वो डगमगा गई और फे को छोड़ दिया, पर रानी ने उस डंडे को निकाला और फिर से उनके पीछे आई। मेची के दादाजी अब शिप पर आ चुके थे और उन्हें सबसे पहले मेची मिल भी गई। वो कुछ करते इससे पहले ही उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी और उसका पीछा करने पर उन्हें कीड़ों की बड़ी सी रानी दिख गई। उन्होंने उसे मारने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहे। रानी ने उन्हें अपने से दूर करके हमला करना चाहा, मगर इतने में एक नौजवान ने पीछे से आकर रानी पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। फे ने भी हिम्मत दिखाकर एक चेनसॉ से रानी पर हमला किया, मगर उसे वो ठीक से चलाना नहीं आता था जिसके कारण वो रानी को काट नहीं पाई। अब गोलियां भी नहीं बची तो सबने मिलकर भागने का फैसला किया। उन्हें अपने सामने एक सीढ़ी दिखी जिस पर चढ़कर वो जाना चाहते थे, मगर रानी ने तुरंत ही उस पर हमला करके सीढ़ी तोड़ दी और उस नौजवान को खा लिया। इस पल में अब सब हिम्मत हार चुके थे और ना हम लड़ने की हालत में थे, पर इतने में ही मेची को लगा कि वो रानी को शॉक देकर उसे ख़त्म कर सकते हैं। मेची और जैंग ने वायर को जोड़ना शुरू किया जिससे करंट निकल सके और फिर रानी का ध्यान भटकाने चेनसॉ लेकर उसके सामने आ गई। वायर जुड़ते ही जैंग ने फिर रानी को शॉक देना शुरू किया, मगर कुछ ही देर में आउटलेट का तार छोटा पड़ने के कारण वो बाहर आया और करंट आना बंद हो गया। रानी फिर उनके पीछे आई, मगर फे ने बहुत ही बहादुरी दिखाई और चेनसॉ की मदद से कीड़ों की रानी के शरीर को काट दिया। अब रानी की शक्ति खत्म हो गई और किसी भी इंसान को खाना उसके बस से बाहर हो गया। सभी बचे हुए लोग शिप के ऊपर किनारे पर निकलने आए। जैंग ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए फे को प्रपोज कर दिया, जिस पर फे चौंकते हुए खुश हो गई, मगर उसने कहा कि वो जैंग से रोमांटिक प्रपोजल चाहती है जैसा मूवीज़ में होता है। जैंग भी खुशी खुशी उसकी बात माना और घुटने पर बैठकर उसने फे को प्रपोज किया। फे बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने पूरे शिप के चक्कर लगाते हुए अपनी खुशी जाहिर की, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक परफेक्ट प्रपोज वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मेची अपने दादाजी के साथ खुशी खुशी उन्हें देख रही थी। मगर इतने में ही कीड़ों की रानी ने अचानक ऊपर आकर फे और जैंग की तरफ हमला किया और मूवी एंड हो गई। मूवी को एंड तक देखने के लिए थैंक्स गाइस। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।